टैक्स पेयर्स हैं वो लोग अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे तभी वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आधार से एक बात है कि आधार जो है वो हमारे कंट्री का सिटीजनशिप का राइट नहीं देता है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए हैं जो इलेक्शन लॉज हैं, उसमें पहले क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2000 ऑफ एनी ईयर ही होता था, 1 जनवरी फरवरी क्वालिफाइंग डेट होता था, मतलब जब बच्चे का एज उस वक्त से नापते थे। तो अभी क्या हो गया उसमें 4 क्वालिफाइंग डेट्स हैं, तो इससे हम बार बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को रह सकते हैं। तो पहला क्वालिफाइंग डेट तो 1 जनवरी ही है, उसके अलावा सेकंड क्वालिफाइंग डेट 1 अप्रैल कर दिया है, फिर 1 जुलाई और उसके बाद 1 अक्टूबर है। इसके बाद पहले जो सर्विस वोटर होते थे उसमें हमेशा लिखा होता था वाइफ ऑफ सो एंड सो, ना सर्विस वोटर वो लोग होते जैसे कि आर्मी में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, उनका स्पाउस के लिए उनके वाइफ के लिए जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनके लिए ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं था, अभी उसको जेंडर न्यूट्रल भी करते हैं विच इज़ अ गुड स्टेप। उसमें ही एक और अमेंडमेंट किया है कि जो हमारा आधार से लिंक करने का भी प्रोविज़न किया गया है अपने एपिक कार्ड के लिए। तो रिसेंटली हम सबको पता है कि जो हमारा पैन कार्ड है उसमें भी सरकार की तरफ से डायरेक्शंस आए कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो लोग अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे तभी वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दैट वाज काइंड ऑफ अ डायरेक्शन। इस बार वाला थोड़ा डायरेक्शन नहीं है, इट्स एन ऑप्शन, बट क्योंकि गवर्नमेंट का बोला हुआ है तो उनका तो हमको डायरेक्शन ही मानना है। तो इसमें करने से काफ़ी फ़ायदे हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो जो हमारा आधार कार्ड है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको जो उसके इलेक्टर फोटो वोटिक आइडेंटिटी कार्ड है एपिक कार्ड या वोटर आईडी कार्ड उसके साथ लिंक करना है। तो लिंक करने का प्रोसेस भी बहुत सरल बनाया गया है, जैसे कि जिससे कि सारे से सारे लोग जो हैं वो हम कर पाएँ। तो उसके लिए 4-5 तरीके हैं। सबसे पहले एक NVSP करके पोर्टल होता है, उसके ऊपर जाके खुद भी हम लोग अपना रजिस्टर करके उसमें आधार कार्ड डालना है और एपिक का नंबर डालना है, दोनों को लिंक करके जो आधार इनेबल्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर उसका OTP आ जाएगा। OTP जब आप फिल कर देंगे तो उसके बाद वो दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। सिमिलरली एक और पोर्टल है, वोटर पोर्टल है, एक हेल्पलाइन है उनका, एक ऐप है और एक ERONET है। ये सब तो जो अपने आप अगर किसी को करना है तो वो खुद कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें इलेक्शन कमीशन का, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं और उस हमारे काफ़ी सपोर्टेड ऑफिसेज भी हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑफलाइन मेथड भी है। तो इसमें डोर टू डोर जाकर भी लोगों से, हमारे जो BLOs हैं वो Form 6B बोला है, तो Form 6B ले सकते हैं साइन करा के। Form 6B कंसेंट फॉर्म है जिसमें कि जो वोटर है वो कंसेंट दे रहा है कि जो उसका आधार है और जो उसका एपिक है दोनों को लिंक किया जा सकता है। तो इसमें OTP जो है वो वोटर के पास नहीं जाएगा या जो जिसका एपिक कार्ड है उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया है। तो बिना SMS आए हुए ही, उसका सर्टिफिकेशन हुए ही बिना ही वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, बिकॉज उसका Form 6B है। अगर किसी का होता है ना, काफ़ी बार होता है कि उसका मोबाइल नंबर जो आधार में रजिस्टर्ड है उस पर OTP नहीं आता है या मोबाइल नंबर यूज़ में नहीं है, तो उन सब कारणों में 6B का फॉर्म दिया जा सकता है। और इसमें काफ़ी स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, हमारा स्टेट अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इसमें। तो किसी स्टेट में पर्टिकुलर राजस्थान ने ऑलमोस्ट लाइक 40% अपना आधार कार्ड जो है एपिक से लिंक कर दिया है। हमारे स्टेट का प्रोग्रेस अभी करीब 15% तक ही पहुँचा है, तो अभी हमारे पास काफ़ी स्कोप है। इसको करने से क्या फ़ायदे होंगे, इससे जो वोटर का आइडेंटिफिकेशन है, कई बार हम सब लोगों का एज सिटीजन भी शिकायत रहता है, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो लोग कंटेस्ट करते हैं उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि ये रहने वाला तो फॉर एग्जांपल उस स्टेट का है पर इसका वोट इधर है और ये अपने स्टेट में ही वोट करता है, इधर भी वोट करता है। तो जब वो आधार से लिंक हो जाएगा तो जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पकड़ पाएगा, और जो पकड़ पाएगा तो उनको डिलीट करने का जो प्रोसेस है उसका भी एक जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, उसके हिसाब से उनको हियरिंग देखे कि वो अरुणाचल में वोटर बनना चाहता है या उसका होम स्टेट फॉर एग्जांपल राजस्थान है तो राजस्थान में बनना चाहता है, तो उसके हिसाब से जो भी वो बाद में ऑप्ट करेगा वहाँ का वो वोटर रह पाएगा और दूसरे स्टेट का ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो जगह का वोटर होना कानून के हिसाब से गैरकानूनी है। आप एक ही जगह वोट करने का अधिकार रख सकते हैं और जो है वो इस सिस्टम से पता चल पाएगा। इस सिस्टम से और भी एडवांटेज होगा कि जब हम अपना वोट कास्ट करने जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस के टाइम में, जब आधार इनेबल्ड होगा तो उसका बायोमेट्रिक भी सर्टिफाइड होगा, तो इसमें जो एक दूसरे का हम लोग मिसयूज़ करते हैं या इम्पर्सोनेशन हो जाता है कई बार, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन के अलग से गाइडलाइंस हैं, बट इसके अंदर भी हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसमें जगह जगह हम लोग कैंप लगा रहे हैं। सबसे पहला कैंप जो है सेक्रेटरीट में लगा, सो दैट कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, वो लोग एक रोल मॉडल बन पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएँ कि उनका खुद का हो गया है। तो इसमें हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM साहब का वीडियो हम सब ने देखा ही है, वो लोग भी हमारे थ्रू ही हुए हैं, तो उसके
इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के अंदर ही उन्होंने अपना सर्टिफाई किया है कि उनका एपिक और जो आधार कार्ड है वो लिंक है। तो ऐसा ही जितने भी हमारे सिटीजन लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, या जो भी अरुणाचल में वोट करते हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सिस्टम में लेके आए। इससे ऐसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इससे जो मिसयूज़ होता है उसका, उसको वो कंट्रोल कर पाने में जो सिस्टम का साथ है और उसका डेमोक्रेसी के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा देश का डेमोक्रेसी लोकतंत्र स्ट्रांग रहेगा तभी तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो वो सबको बोगस वोटिंग से बचने के लिए, हमारा मिसयूज बचने के लिए हमको ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसे आजकल के ज़माने में जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड अभी हम लोग उसको सेफ एग्जैक्टली नहीं मान सकते, क्योंकि आधार कार्ड बनवाने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस हो गया आजकल, और बहुत सारा जो है 2-3 आधार कार्ड भी बना सकता है और दूसरा दूसरा नाम से बना सकता है। जैसे कि इवन बहुत सारा जैसे बाहर से जो आते हैं वो लोग भी आधार कार्ड एक्वायर करने में वो लोग को टाइम नहीं लगता सर। तो इस तरह ये जो आप लोग प्रोसेस स्टार्ट किए, तो किस तरह से ये प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि आधार में अभी बहुत सारा को भरोसा नहीं है सर। एक्चुअली आधार कार्ड जो है, देखिए आधार में भरोसा करना चाहिए, आधार का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, लेकिन आधार से एक बात है कि आधार जो है वो हमारे कंट्री का सिटीजनशिप का राइट नहीं देता है। तो जब लोग बाहर से, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि नियर बाय कंट्री से हमारे पास लोग आते हैं, तो उनका भी आधार बन सकता है। आधार इज रेजिडेंस, जो हमारा कंट्री का है उसी के लिए है कि जो हमारे देश में रह रहे हैं। रहने वाला और सिटीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। जैसे हमारे कुछ लोग अमेरिका जा कर रहते हैं लेकिन उनका सिटीजनशिप इंडियन रहता है, तो इसी तरह हमारे देश में वो रह सकते हैं तो उनको एक आधार कार्ड मिलता है, सो दैट कि वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है उसको एक्सेस करने में उनको तकलीफ ना हो, लेकिन उससे उनको सिटीजनशिप का राइट नहीं मिलता है। रही बात आधार का मल्टीपल बन जाना, ये तो टेक्निकली फिजिकल या पॉसिबल नहीं है। अगर हो रहा है तो वो डुप्लीकेट आधार बन रहा है, सिस्टम से आधार नहीं बन रहा है। तो जो बनवा रहा है वो थोड़ा उसको सजग रहना पड़ेगा, उसको ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम अपना बायोमेट्रिक देते हैं। अगर एक बायोमेट्रिक हमने थंब इम्प्रेशन दिया, आयरिस का कोड दिया, तो ये यूनिक चीज़ है ना हमारी, बचपन से हम सुनते हैं और हमको पता भी है कि फिंगरप्रिंट तो हर किसी इंसान का अलग होता है, ऐसी जो आयरिस का सेंसर होता है वो भी सबका अलग होता है। अगर एक बार सिस्टम में चला गया तो उससे जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ उसको दोबारा रेप्लिकेट किसी और के लिए नहीं किया जा सकता। तो मल्टीपल आधार वाला जो काम है वो या तो बिना उस सर्वर को हिट किए ना, एक सर्वर है आधार का, मल्टीपल प्लेसेस में है, मुंबई में सबसे बड़ा सर्वर उनका मेन सर्वर है, तो उसको जब भी हम अपना ओटीपी भी एक्सेस करते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के लिए ओटीपी देते हैं तो वो सर्वर को हिट करता है कि ये फ़ोन नंबर वही है। अगर फ़ोन नंबर मिसमैच है तो ओटीपी कभी नहीं आएगा। सिमिलरली हमको अपना आधार में कुछ चेंज कराना है, फॉर एग्जांपल अपने नाम का चेंज कराना है कि सचिन राणा की जगह सचिन सिंह राणा लिखना है, तो उसमें सिंह अगर ऐड करना है तो मेरे को अपना बायोमेट्रिक दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर मतलब वो उसके जो पुराना सर्टिफाइड है उससे टैली करना पड़ेगा, और अगर वो टैली नहीं हुआ तो वो चेंजेस जो सिस्टम है वो अलाउ नहीं करेगा। तो इट्स अ वेरी रोबस्ट सिस्टम, नंदन नीलेकानी जी ने बनाया है, इन्फोसिस के बहुत बड़े ऑफिसर थे वो, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स थे, CTO, उनके थ्रू बनाया है। गवर्नमेंट ने बहुत ह्यूजली इन्वेस्ट किया है और इसको टेम्पर किया जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।